जिले में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव सुरेंद्र प्रताप सिंह देवी राजा ने बीजेपी छोड़कर इस्तीफा दामन थाम लिया। सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जिले के खरगापुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। खरगापुर में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को चुनाव मैदान में उतारा है और इस दौरान सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं जिले की जतारा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दिनेश अहिरवार ने पार्टी का साथ छोड़कर निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया। वहीं टीकमगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने कांग्रेस के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान बुंदेला ने कहा कि वो महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे।